catch it? Hi. Lift? जी? I said, can I drop you somewhere? किस तरफ जा रही हैं आप? महिपालपुर की तरफ. मैम मैं द्वारका ही जा रहा हूँ. महिपालपुर रास्ते में ही पड़ेगा. मैं छोड़ दूंगा आपको. प्लीज आ जाइए. नो थैंक्स, मैं बस या टैक्सी कर लूंगी. मैम बहुत लेट हो चुका है और इस वक्त दोनों मिलना बहुत मुश्किल है. प्लीज आ जाइए, नो फॉर्मेलिटीज. कम कम. You're welcome. चले. जनवरी 2012, दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर गुड़गांव में ब्यूटीशियन तान्या जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी और लिफ्ट ऑफर करने वाला आदमी शरीफ नजर आ रहा था. ऐसा नहीं था कि तान्या ने लिफ्ट मांगी थी, उस आदमी ने खुद अपनी गाड़ी रोककर तान्या को लिफ्ट ऑफर की थी. अक्सर राह चलते और इंतजार कर रहे लोगों को लिफ्ट ऑफर की जाती है, पर इतनी रात गए सुनसान इलाके में उस आदमी के ऑफर को कबूल करने से पहले तान्या को 10 बार सोचना चाहिए था. शायद उस आदमी के डिसेंट अंदाज ने खतरे की दस्तक को तान्या तक पहुंचने ही नहीं दिया. हाय, आई एम विकास. मैं तान्या. यहीं आसपास काम करती हैं आप? जी, यहाँ FS मॉल है ना, वहाँ पे फ्यूजन स्पा में काम करती हूँ. ओरा फ्यूजन स्पा. तो खूबसूरती के बिजनेस में हैं आप? हाँ, वेरी नाइस. और महिपालपुर में फैमिली के साथ? नो, फ्रेंड्स. लोकल नहीं लगती हैं आप, कहाँ से हैं? असम? नेपाल? मणिपुर, यहाँ से बहुत दूर. अरे इंटरनेट के ज़माने में क्या दूर और क्या पास. यू नो, मैं गया हूँ मणिपुर एक बार, बहुत खूबसूरत है. क्या आप सच में मणिपुर गए हो? हाँ. वाओ, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ. हाँ, खूबसूरती की कदर बहुत कम लोगों को होती है. मिस्टर विकास, मुझे लगता है आपने गलत लेफ्ट टर्न ले लिया है, हमें सीधा जाना चाहिए था. अरे नहीं, आपको घर जल्दी पहुँचना है ना, ये शॉर्टकट है, रिलैक्स. मिस्टर विकास, क्या आप कार वापस मेन रोड पे ले सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से कभी आई नहीं हूँ. रिलैक्स तान्या, मैं इस रास्ते से कई बार आ चुका हूँ. पहली बार थोड़ा डर लगता है, लेकिन ये रोड उतना डरावना है नहीं, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. हाँ, आप प्लीज कार रोक दीजिए, मुझे यहाँ उतरना है. कम ऑन तान्या, मैं तुम्हें बीच सड़क पे तो नहीं उतार सकता ना, और वैसे भी इस टाइम यहाँ बहुत डेंजरस होता है यार. Come on. तो हम लोग यहाँ से आए क्यों? मैंने कहा ना तान्या, रिलैक्स. हाँ, रिलैक्स. प्लीज कार रोकिए, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी. ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? खोलो, मैं चिल्लाऊंगी. हेल्प! जी भर के चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज इस गाड़ी से बाहर नहीं जाएगी. ए! निकल,
15 जनवरी 2012 की रात को 20 वर्षीय तान्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि लिफ्ट देने वाला शराफत का नकाब पहने शैतान है। ये युवती भारत के उत्तर पूर्व इलाके से थी, जहां से हजारों विद्यार्थी और युवा दिल्ली और दूसरे महानगरों में अपना करियर, अपनी जिंदगी बनाने आते हैं। बेआबरू और बेजान पड़ी तान्या दिल्ली की उन सैकड़ों लड़कियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी जो लिफ्ट देने वालों की वहशियत का शिकार होती रही हैं। तान्या पर आक्रमण करने वाला अपने विकृत इरादों में कामयाब तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। సరసకు చేరవి చిగిని 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 హే చిగిని 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 తమం తుమ్నే నమక్ కా సూప్ బనాయా సబ్జియో కా ఇషా తుమ్ రోజ్ మూ బనాతీ హో ఏక దిన ఖానా క్యో నీ బనాతీ అరే తమం ఛోడ్ నా హమ్ దోనో ఇషా ఔర్ తానియా కే గులామ్ హై యే దో మహారానియా కిరాయ జో భర్తీ హై మహారాని తానియా కా ఫోన్ హై ఆజ్ కా మెనూ సునో దో హలో తానియా इतनी लेट क्यों हो गई? ईशा, ईशा, जल्दी आ जाओ तुम लोग। क्या हुआ तानिया? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। गुरगांव के पास गई हूँ। तानिया हुआ क्या? ईशा! क्या? क्या हुआ ईशा? तानिया? तानिया! ये सब कैसे हुआ? उठो, कैसे हुआ ये सब? अपना नाम क्या बताया था उसने? विकास। उसने खुद से लिफ्ट ऑफर की थी? Yes, sir. अपने बारे में कुछ और बताया था उसने? No, sir. गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? No, sir. व्हाइट कलर की सेंट्रो कार थी। सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो, खासकर गुड़गांव द्वारका रूट पर। लेकिन मुझे डाउट है वो आदमी इस वक्त कहीं मिलेगा। चांस लेते हैं सर, मैं अलर्ट कर देता हूँ। तान्या, तुम्हें अभी PSI सिंह के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। घबराओ मत, लेडी डॉक्टर होगी, लेडी कांस्टेबल होगी। चाहो तो अपनी दोस्त ईशा को साथ ले लो। रेप तो हुआ है इंस्पेक्टर, जख्म ताजे हैं, सीमेन के ट्रेसेस हैं। ओके डॉक्टर, आप एक मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको रिपोर्ट बना के देती हूँ। उस अजनबी से लिफ्ट तुमने ली ही क्यों तान्या? Shut up, तमंग। वैसे इतना सब कुछ हो गया है और ऊपर से गिल्टी फील करा रहे हो। अरे बस या टैक्सी नहीं थी तो हमें फोन कर दिया होता तानिया, हम 10 मिनट में आकर पिक कर लेते तुम्हें। तमंग, गौरंग, अब तुम लोग दोनों चुप रहो। फोन कर दिया होता, उसको क्या पता था कि ये सब होने वाला है? वो आदमी कभी हाथ लगेगा तो साले की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, इस पाव वाले इतने रात गए, उन्हें ट्रांसपोर्ट का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए ना, जिम्मेदारी है उनकी। अरे छोड़ो यार ईशा, जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी ये है चमनिया फेंको और खून चूसो, चाहे फिर उनकी एम्प्लॉइज का रेप हो या मर्डर, जिम्मेदारी है उनकी। सर पेट्रोलिंग टीम से भी इस विकास की कोई खबर नहीं मिली सर। वो तो मिलने से रही सिंह,
इस आदमी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, नाम भी विकास नहीं होगा इसका। सर लेकिन उसका चेहरा तो सामने आ सकता है, लड़की को आर्टिस्ट के साथ बिठाते हैं, स्केच बनवाते हैं उसका। हाँ ब्लाइंड केस है, जो कुछ भी हो सकता है सब करेंगे हम। पुलिस की भाषा में उस केस को ब्लाइंड केस कहा जाता है, जिसमें मुजरिम के बारे में पुलिस के पास लगभग कोई जानकारी ना हो सिवाय एक आध छोटे से सुराग के। इस केस में पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि मुजरिम का नाम विकास है, लेकिन वो नाम शायद झूठा भी हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस केस में बहुत ज्यादा विकास होने की संभावना नहीं थी। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से दिल्ली आई कई लड़कियों के साथ ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। दिल्ली स्थित संस्था नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट एंड हेल्पलाइन ने इस केस में पहल की और इस संस्था का एक डेलीगेशन दिल्ली पुलिस से मिला। देखिए हम आपके आक्रोश को समझते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं हर मुमकिन एक्शन लिया जाएगा। देखिए अब तक एफआईआर लॉज नहीं की गई, सिर्फ एक कंप्लेन नोट की गई है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पहला ब्लाइंड केस तो है नहीं पुलिस के लिए। पिछले एक महीने में ये तीसरी नॉर्थ ईस्ट की लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। शांत हो जाइए प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, तान्या के अटैकर को हम पकड़ कर ही छोड़ेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा रखिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी टू से दैट सर, कि जब तक आप उसे नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी पुलिस और प्रशासन के ऊपर भरोसा रखना मुश्किल है। देखिए हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक ये बात ले जाएंगे। हमें सिर्फ न्याय नहीं चाहिए, हमें तुरंत न्याय चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर जाकर, तान्या रेप केस पर डबल अप करो। जी सर। सबसे पहले एक एफआईआर रजिस्टर करो और उसकी एक कॉपी मुझे भेजो। सर। और मुझे इन्वेस्टिगेशन की हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए। ओके। हमने अटैकर का स्केच बनवा लिया है सर, बहुत जल्द वो हमारे लॉकअप में होगा सर। वेरी गुड। जाखड़, इतने सालों में हमने देखा है कि ये ब्लाइंड केसेस अक्सर चौंकाने वाले सुराग पेश करते हैं। जी सर करते हैं। ये केस भी करेगा। ऑल द बेस्ट और मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। ओके। यस सर। सर अटैकर का स्केच सारे न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट करा दिया सर। दिल्ली और गुड़गांव के सभी मॉल्स और पब्स में इसके स्केच चिपका दो। यस सर। सर ये रेपिस्ट कोई सड़क छापने वाली नहीं है, ये कोई अच्छी पोजीशन में काम करने वाला छुपा हुआ भेड़िया है। हमको इसकी साफ सुथरी हाई सोसाइटी में घुसकर इसका टेटवा दबाना होगा, सारी गंद दुनिया को दिखनी चाहिए। खड़ी थी और वो सेंट्रो वहां से आई थी। उसके बाद आप लोग इस सड़क पर सीधा गए और उसने आगे से लेफ्ट टर्न लिया उस सुनसान सड़क के लिए। यस सर। आजी आजी। यही वो जगह है जहां उसने चलो एक एक इंच स्कैन करो, कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर मिलेगा। यहाँ इन झाड़ियों में मिला। ये झाड़ियाँ उन झाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ उस आदमी ने तान्या पे अटैक किया था।
हो सकता है समीर पुंज वो विकास है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन इस समीर पुंज के दो दो डेबिट कार्ड्स यहाँ इन झाड़ियों में क्या कर रहे हैं? अब ये केस एक ब्लाइंड केस नहीं था। घटना स्थल से एक नहीं बल्कि दो दो डेबिट कार्ड मिले थे जो किसी समीर पुंज नाम के आदमी के थे। अब सवाल ये था कि क्या ये समीर पुंज ही अटैकर था जिसने तान्या को अपना नाम विकास बताया था, या फिर इन दो डेबिट कार्ड्स की कोई और ही कहानी थी। ये फोटोग्राफ और ये स्केच दोनों मैच कर रहे हैं सर। मुझे इसका एक प्रिंटआउट चाहिए। हाय, लेफ्ट। यही है सर, वो यही है, यही है। 14 साई विहार ओम नगर द्वारका। सेल फोन ट्राई किया सर, एप्लीकेशन फॉर्म पे था, स्विच ऑफ दिखा रहा है। सेल फोन की लोकेशन ट्रेस करवाओ, तब तक हम लोग इस समीर पुंज के घर की तलाशी लेते हैं। इस समीर की सेलफोन लोकेशन ट्रैकिंग जयपुर बता रही है। सारे रिकॉर्ड्स मंगवाओ, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। जी समीर पुंज कौन है? मेरे पति है, पर बात क्या है? आपका नाम? अनीता। लेकिन बात क्या है ऑफिसर? ये इम्पॉसिबल है सर। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, खासकर जुर्म की दुनिया में। आपके पास कुछ सबूत वबूत है क्या? जिस लड़की का बलात्कार और अटेम्प्टेड मर्डर हुआ उसने आपके बेटे की तस्वीरें देखी हैं और उसे आइडेंटिफाई भी किया है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि समीर इस वक्त जयपुर में है, तो या तो आप लोग सच बता दीजिए या फिर हमें आप लोगों को कस्टडी में लेना होगा, एक क्रिमिनल को छुपाने और उसका साथ देने के चार्जेस पर। अरे ऐसे कैसे कस्टडी में लेंगे, हलवा पूरी समझ रखा है क्या? आपके बेटे ने बलात्कार और मर्डर को हलवा पूरी समझ रखा है मिस्टर पुंज। देखिए आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। समीर को सामने आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा गलत हम हैं या कोई और। वो जयपुर गए हैं, कल रात ही गए हैं। मतलब जयपुर भाग गया है, अपना जुर्म कबूल किया आपके सामने? वो ऑफिस के काम से गए हैं। जाना पहले से तय था? जयपुर जाना पहले से तय था मिसेज अनीता पुंज? वो उन्हें अचानक जाना पड़ा, मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। लास्ट बात कब हुई थी? आज सुबह। कल रात के बारे में कुछ बताया? नहीं। सेल फोन से कॉल किया था? जी जयपुर के लैंडलाइन से किया था। आपके सेल पे? हाँ। आपका नंबर? 8800321। काम कहाँ करता है? नॉक्स टेक्नोलॉजी। ऑफिस एड्रेस? रावल पार्क गुड़गांव। सफेद रंग की सेंट्रो चलाता है? 04HD5678। आपके पति और आपके बेटे समीर पुंज ने एक 20 साल की लड़की का बलात्कार करके उसका कत्ल करने की कोशिश की। जब वो हमारे हाथ लगेगा तो हम उसकी जिंदगी तो नहीं लेंगे लेकिन वो जिंदगी भर हमारी मार नहीं भूल सकेगा। और अगर हमारे हाथ नहीं लगा तो आप सभी लोग अंदर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सभी ऐसा कर ही नहीं सकता। सर उसका सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। फोन रिकॉर्ड्स की क्या स्टेटस है? सर समीर और उसकी बीवी अनीता दोनों के फोन रिकॉर्ड्स एक घंटे के अंदर पहुंच जाने चाहिए। उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जयपुर पुलिस को भेज दो, अगर हमारे पहुंचने से पहले उनके हाथ लगे तो वहीं लॉकअप में धो डालें साले को। राइट सर। सर समीर हमारा सबसे अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। समीर पुंज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे पास पहले से मौजूद है मिस्टर मैनेजर, अब बस ये बताइए कि जयपुर क्यों गया है और कहाँ मिलेगा। वो जयपुर क्यों जाने लगा? उसे तो आज सुबह यहाँ ऑफिस में रिपोर्ट करना था एक जरूरी मीटिंग के लिए। आज सुबह से ही उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप और आपकी सारी टीम उसे बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हम लोग यहाँ आए थे।
अगर वो आप में से किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप लोग सीधा हमसे कांटेक्ट करेंगे, समझे आप? जी समझा। तानिया, मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस शौक से बाहर निकल नहीं होगा, नहीं तो ये उस कमीने की जीत होगी। ओके गर्ल्स, पहले गर्मा गर्म सूप पीते हैं, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मूवी शूवी। हाँ ये लो। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। ओके बाबा, पहले सूप पियो, बाद की बात में देखेंगे। लो लो। Tanya, 0141-23-73-780। समीर ने अनीता को इसी नंबर से फोन किया था जयपुर से। गुड मॉर्निंग, वेलकम राजमहल जयपुर। दिल्ली द्वार का पुलिस स्टेशन से PSI सिंह बोल रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपके यहाँ समीर पुंज नाम का कोई गेस्ट रह रहा है? दिल्ली का रहने वाला है और आज सुबह इसी नंबर से उसने अपनी पत्नी से दिल्ली में बात की है। ये आदमी वांटेड है। मुझे आप एक मिनट दीजिए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। सॉरी सर, हमारी गेस्ट लिस्ट में समीर पुंज तो नहीं है, लेकिन रूम नंबर 401 से दिल्ली के लिए एक ट्रंक कॉल बुक किया गया था। क्या नाम है गेस्ट का? विकास पुरी सर, ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं। ये वही आदमी है, अपना नाम विकास बताता है। आप एक काम कीजिए, होटल की सिक्योरिटी को बुला के उसे अभी डिटेन कीजिए, मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ। लेकिन सर वो तो चेकआउट हो चुके हैं। कब? अभी एक घंटे पहले। सर ये समीर पुंज जयपुर के किसी होटल में था, वहाँ से चेकआउट हो गया। लुका छिपी खेल रहा है। सर मैंने जयपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया है और उन्होंने नाकाबंदी अलर्ट अनाउंस कर दिया उसकी गाड़ी के लिए। उसकी पत्नी अनीता, उसके फोन को सर्विलेंस पे डाल दो, वो उसे जरूर फोन करेगा। उसके डेबिट कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं, बिना पैसे के कब तक और कहां तक भाग सकेगा वो? अनीता सच बता, समीर का कोई अफेयर चल रहा है क्या? मुझे नहीं पता बाजी। तुझे कभी शक नहीं हुआ? उसने कभी जिक्र नहीं किया। अगर उनका अफेयर होता तो मुझे क्यों बताएंगे? और ना ही मुझे उन पर कभी शक हुआ। मुझे लगता है समीर ने कोई गलती से ही अफेयर किया होगा और अब वो लड़की उसे फंसा रही है। पर पुलिस कह रहे थे कि वो लड़की अजनबी है और इन्होंने लिफ्ट देने के बाद। अगर वाकई समीर ने ऐसा कुछ किया हुआ तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चुप करो जी, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मेरा समीर कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर किसी की चाल है उसे फंसाने की। जब उसने फोन किया क्या कहा उसने? यही कहा कि जयपुर किसी काम से गए। और इस हादसे के बारे में, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा? नहीं कहा बाजी, कुछ भी नहीं कहा, नहीं बताया मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। समीर के घर वाले, उसके ऑफिस के साथी, दरअसल उसकी जिंदगी से जुड़े सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि समीर इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। सभी की नजरों में वो एक शरीफ एग्जीक्यूटिव था जिसकी कुछ ही सालों पहले शादी हुई थी और ऑफिस में अच्छी तरक्की हो रही थी। पर सच यही था कि समीर ने एक 20 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसे जान से मारने की कोशिश की थी। समीर कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, लेकिन अब पुलिस से भाग रहा था और एक शातिर गुनहगार के सभी लक्षण दिखा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे और समीर पुलिस के हाथों नहीं लगा था। आखिरकार कहां था समीर पुंज? 3 दिन हो चुके हैं, अब तो आपके डिपार्टमेंट के पास उस आदमी की सारी डिटेल्स हैं। फिर भी आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते? बस 1-2 दिन और। दरअसल वो जयपुर में कहीं जाकर छुपा बैठा है, लेकिन हमने उसे पकड़ने के लिए बहुत लंबा जाल फेंका है। वो बाई रोड, एयर या ट्रेन, कैसे भी
जयपुर छोड़कर दिल्ली आना चाहेगा तो तुरंत हमारी मुट्ठी में होगा। फिलहाल तो वो आदमी आप लोगों को ठेंगा दिखा रहा है, और आप तो कहते हैं कि आपकी पुलिस रात भर पेट्रोलिंग करती है, फिर भी शहर में आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, और वो भी एक दो बार नहीं बार बार। I don't understand, sir. एक आदमी को आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, कितना लाचार साबित कर रहे हैं आप अपने ही डिपार्टमेंट को। हम नॉर्थ ईस्ट की औरतों की सिक्योरिटी में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है डीसीपी साहब? नहीं नहीं मैडम, ये आरोप सरासर गलत है। हमारे लिए हर औरत की सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमें मानता हूं उसमें सुधार की गुंजाइश है, और मैं यह भी मानता हूं कि दिल्ली शहर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के ऊपर बाकी शहर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही जुर्म होता है। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम भी इस प्रॉब्लम को कुचलना चाहते हैं। तो फिर जल्द से जल्द उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात है सर, वो आदमी पढ़ा लिखा है जो कि एक टॉप कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। ऐसे लोग जुर्म करने के बाद ऐसे खुलेआम घूमेंगे तो छठे हुए बदमाशों को कितना बढ़ावा मिलेगा, सोचा है सर? ये बात हमें भी बहुत ज्यादा खाई जा रही है। बस थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द तानिया का गुनहगार समीर पुंज कानून के कटघरे में होगा। सर चूहा बिल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। चूहे तो हम साबित होते जा रहे हैं सिंह, एक ऐसे आदमी को पकड़ नहीं पा रहे हैं जिसे भागने की आदत तक नहीं है। सर हमारा दबाव उस पर बनता जा रहा है, उसे अपने बिल से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम दबाव में आ गए तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब बिल से निकला और कब दूसरे बिल में घुस गया। हेलो अनिता, समीर कहाँ हो तुम? मैं जयपुर हाईवे से बोल रहा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ अनिता। और हम सब बहुत मजे में है ना समीर? प्लीज अनिता, मुझे कुछ पैसे और कपड़े चाहिए। और मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या नाम है। तुमने उस लड़की का रेप किया है ना? बताओ समीर, क्या तुमने उस लड़की का रेप किया है और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की? I'm really sorry अनीता, पता नहीं उस रात मुझे क्या हो गया था, मैं जैसे पागल हो गया था। कुछ पता नहीं चला कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। समीर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ अनीता। तो भाग क्यों रहे हो और कब तक भागोगे, किस किस से भागोगे? तुम्हारी मेरी माँ बाबूजी की सबकी जिंदगी खत्म हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं सब ठीक कर दूंगा अनीता, मेरा एक दोस्त है देहरादून में, मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर में छिप जाऊंगा, थोड़े दिनों में ये मामला भी ठंडा हो जाएगा, सब 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 पहले जैसा हो जाएगा। नीता हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं होगा समीर,
कभी भी नहीं। अनीता प्लीज मुझे एक मौका दे दो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं जयपुर हाईवे से बोल रहा हूँ। तुम कल कुछ कपड़े और पैसे लेकर मुझे फरीदाबाद हाईवे के जो पीछे जो तीन रास्ता है ना, मुझे वहाँ मिलना। अनीता अनीता प्लीज तुम आ जाना। अनीता तुम्हें हमारे प्यार की कसम है, प्लीज आना अनीता। भाई साहब आप यहीं रुकिएगा, मैं अभी आई। मुझसे तुमने जो मंगाया था मैं ले आई हूं। तब गलती हो गई मुझसे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आज मैं यहां आई हूं तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम मेरे पति हो। पर सच को समीर मुझे आज उतना ही डर लग रहा है जितना उस लड़की को लगा होगा। अनीता प्लीज प्लीज ऐसे मत बोल। देखो देखो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सीरियसली गलती हो गई मुझसे, मैं बोल रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। समीर पंच हिलना मत नहीं तो ढेर कर देंगे, चलो। नजर नीची साले, तेरी पत्नी ने हमें कोई टिप नहीं दी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भी दिल ही दिल में यही चाहती होंगी। कौन औरत तुझ जैसे पति को माफ करेगी? जल्दी से चल। तानिया, तुम पर अटैक करने वाला समीर पुंज हमारी हिरासत में है। अब एक फॉर्मेलिटी बाकी है, उसे एक बार आइडेंटिफाई करना होगा। अब तुम चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज, कोई नहीं सुनेगा। चिल्लाओ, चिल्लाओ। तान्या के बलात्कार और अटेम्प्टेड मर्डर के 5 दिन बाद गुनेगार समीर पुंज पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। गुड़गांव के 30 वर्षीय टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि उसे लगा था कि तान्या मर चुकी है और वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ये एक ब्लाइंड केस था। अगर अटैक के दौरान समीर की जेब से वो डेबिट कार्ड ना गिरे होते तो शायद समीर पुंज कभी पकड़ा ही ना जाता। इस केस के बाद दिल्ली पुलिस ने उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ऑर्डर पास किया जहां औरतें देर रात तक काम करती हैं। उस ऑर्डर के पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। देर रात तक काम करने वाली सभी औरतों के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध किया जाए। ट्रांसपोर्ट सर्विस और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी सिर्फ लाइसेंस्ड एजेंसीज के ही हों।
संस्था के सभी कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक और पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। किसी भी महिला कर्मचारी को अकेले टैक्सी में ना भेजा जाए। संस्था का सिक्योरिटी कर्मचारी या कोई पुरुष सहकर्मी उनके साथ टैक्सी में जाए। ट्रांसपोर्ट रूट्स ऐसे चुने जाएं जहां सबसे पहले पिकअप पॉइंट या सबसे आखिर का ड्रॉप पॉइंट किसी महिला कर्मचारी का ना हो। ट्रांसपोर्ट घर की चौखट तक होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कर्मचारी तब तक आगे ना बढ़ें जब तक महिला कर्मचारी अपने घर पहुंचने की कंफर्मेशन ना दें। अगर महिला कर्मचारी का घर ड्रॉप पॉइंट से दूर है तो कोई भी सुरक्षा कर्मी या पुरुष सहकर्मी महिला को घर के दरवाजे तक छोड़कर आएं। महिला कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट करने वाली सभी टैक्सियों और बसेस में GPS सिस्टम स्थापित किया जाए। जरूरत है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और बाकी के सभी शहरों में भी इस आदेश का पालन हो, जहां काम पर जाने वाली औरतों की सुरक्षा व्यवस्था दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। क्राइम पेट्रोल दस्तक औरतों पर होने वाले किसी भी तरह के जुर्म के खिलाफ लड़ने में अग्रसर है और हमेशा रहेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।